प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जब कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा हो तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 3/5। डिनोमिनेटर 5 जो है वो न्यूमरेटर 3 से बड़ा है, इसलिए ये फ्रैक्शन 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जब किसी इंटीजर के साथ में कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन हो जाए तो उसे मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इंटीजर 2 के साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 कंबाइंड है, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है 2/3/5 मिक्स फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर छोटा रहे उसके न्यूमरेटर से तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 5/3। डिनोमिनेटर 3 जो है वो उसके न्यूमरेटर 5 से छोटा है, इसलिए फ्रैक्शन 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। होप आप लोग समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को आगे के लेक्चर्स जो है वो आप अटेंड कर सको। थैंक यू।